झाबुआ उपचुनाव में आए जो परिणाम हैं उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने सारी बातों को अपने वक्तव्य में मीडिया के सामने रखा था, लेकिन अभी झाबुआ चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी ने जो लूज किया है उसको लेकर के सीधी के हमारे विधायक केदार शुक्ला जी ने कोई प्रश्न खड़ा किया है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के अंदर सामूहिक नेतृत्व के आधार पर हम काम करते हैं। चाहे बड़ा निर्णय हो चाहे छोटा निर्णय हो, सभी लोग मिलकर के ही निर्णय करते हैं। और झाबुआ के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने चाहे प्रदेश के अंदर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से लेकर माननीय नरेंद्र सिंह जी, माननीय शिवराज सिंह जी, माननीय गोपाल भार्गव जी, माननीय कैलाश जी, हमारे जो भी प्रमुख नेतृत्व है उनने सबने मिलकर के ही ये निर्णय लिया कि प्रत्याशी कौन होगा और चुनाव को हम किस रणनीति के साथ लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने झाबुआ के अंदर एकजुट होकर के कड़ी मेहनत के साथ ये चुनाव लड़ा और चुनाव में बहुत ठीक तरीके से, मैं ऐसा मानता हूं कि पिछले चुनाव से, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या पिछले विधानसभा के चुनाव हो, उससे भी ज्यादा मत भारतीय जनता पार्टी को मिले, इसलिए एकजुटता के साथ भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा है। और हमेशा से भारतीय जनता पार्टी में कोई भी निर्णय है वो सब मिलकर के सामूहिक रूप पर हम लोग निर्णय लेने का प्रयास करते हैं, लेकिन केदार शुक्ला जी ने जिस प्रकार से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी या किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराना, ये ठीक नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के खिलाफ है। इसलिए उन्होंने ये जो बयान देने का प्रयास किया है ये संगठन की अनुशासनहीनता के अंदर आता है। इससे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से बात होकर उनके निर्देश पर ये निर्णय लिया है कि उनको सो कॉल्ड नोटिस जारी किया है और उसके आधार पर उनका जब जवाब आएगा तो भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो नेतृत्व है उस पर कार्रवाई करेगा। नोटिस जारी किया है, उनके जवाब के बाद जो हमारा जो नेतृत्व है आगे उस पर कार्रवाई। उन्होंने तो सीधा कह दिया है कि राकेश सिंह ने पार्टी को चौपट कर दिया है और पार्टी का बिगाड़ कर दिया है, आप सुना आपने वो बातें जो उन्होंने कही। मेरा कहना है कि इसी बात पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर केवल मध्य प्रदेश नहीं, देश के किसी भी कोने में, और मैंने कहा ना भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में हमारी जो पद्धति है, हम कोई भी चाहे चुनाव हो चाहे कोई भी निर्णय हो हम निर्णय सामूहिक तौर पर ही लेते हैं, इसलिए जिम्मेदारी हम सब लोगों की मिलकर के होती है, जीत में भी हार में भी। और मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के माननीय अध्यक्ष लोकसभा के चुनाव में 29 में से 28 सीटें जीते, तब कौन प्रदेश अध्यक्ष था, माननीय राकेश सिंह ही प्रदेश अध्यक्ष थे। आज भारतीय जनता पार्टी के पिछले हमारे चुनावों के अंदर भी हम सरकार में रहे तब भी कभी हम उपचुनाव लूज कर गए। भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश के अंदर संगठनात्मक तंत्र में एक नंबर पर सदस्यता के अभियान में आज भारतीय जनता पार्टी खड़ा होता है तो किनके नेतृत्व में है, इसलिए ये निर्णय भारतीय जनता पार्टी कभी भी कोई भी करती है तो वो सामूहिक निर्णय ही होता है, किसी एक व्यक्ति के ऊपर नहीं जाता। इसलिए उनका जो बयान है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर उनको सुकल नोटिस जारी किया। केदार जी ने भी इंदौर में कहा कि चुनाव प्रबंधन में कमी रही, हरियाणा में प्रभारी मध्यप्रदेश से नरेंद्र सिंह तोमर थे, तो क्या केदार जी के बयान पर मैंने झाबुआ के बारे में जो बयान केदार जी शुक्ला का आया है उसके बारे में आपको मैंने एज ए प्रदेश महामंत्री बताया।